सुमेध नगर गांव के पास एक बहुत ही खूबसूरत नदी था। उस नदी में बहुत सारी मछलियां एक साथ रहा करती थी। उन मछलियों को देखने के लिए सारे पशु पक्षी इकट्ठा हुआ करते थे। वहीं पर पास में एक गांव था टुनपुर, जहां पे बहुत सारी टुन्नी चिड़िया रहा करती थी। वहीं पर एक रानो और सुंदरी चिड़िया दो बहनें थी। उन दोनों में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। रानो दिमाग से बहुत तेज थी। संकट आने पे वो तुरंत अपना दिमाग का इस्तेमाल करती और उस संकट से बच निकलती थी। और वहीं सुंदरी ऐसी थी जो कि किस्मत पे भरोसा करती थी। उसका कहना ये था कि किस्मत में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, इससे हमें कोई नहीं पीछे छुड़ा सकता, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, जो किस्मत लिखा है अब वही होगा। पर रानू का ऐसा मानना था कि अगर हम कुछ भी खुद से करें तो किस्मत भी बदल जाए। सुंदरी उसकी बातों से कभी सहमत नहीं रहा करती थी। रानू और सुंदरी के पिता शहर में दाना चुनने जाया करते थे। एक दिन उन्हें आने में बहुत देर हो गई। तभी सुंदरी कहती, मैं तो नहीं जाऊँगी, पापा को आना होगा तो खुद आ जाएंगे। अगर उन्हें कुछ हो भी गया होगा तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हमारी किस्मत में भी शायद यही होगा। ये बात सुन रानू बहुत गुस्साती और अपनी बहन को डांटती। ये कहती कि हम लोग यही सोचते बैठ जाएं कि हमारे किस्मत में ही ये लिखा है, तो अगर हम किस्मत में जो बुरी बला होगी उसे टालना भी रहे तो नहीं टाल सकते। इतना कह वो अपनी बहन पर गुस्साती और वहाँ से पास के शहर की ओर निकल जाती। शहर में जाते जाते बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। तभी वहीं पर रानो रुक जाती और देखती कि इधर तो कोई नहीं है, बहुत सुनसान रास्ता है। देखते ही देखते उसे एक प्यारी चिड़िया दिखाई देती। प्यारी सी टुन्नी चिड़िया को देख के वो कहती, क्या तुमने शहर में पशु पक्षियों को देखा क्या? इतनी तेज बारिश हो रही है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे जाऊँ शहर की ओर। वो चिड़िया कोई भी जवाब नहीं देती। जब रानो को जवाब नहीं मिलता, वो उस चिड़िया से फिर लगातार पूछते रहती और कहती कि मैं शहर की ही ओर जा रही हूँ, तुम्हें पता है मेरे घर में क्या हुआ है? इतना में वो चुड़ैल सामने आ जाती। वो कोई साधारण चिड़िया नहीं, एक चुड़ैल चिड़िया थी। उसका ये रूप देख रानू घबरा जाती। फिर वो हिम्मत से काम लेती और कहती, अरे चुड़ैल बहन, मुझे पता था तुम हो, वो घबराते हुए और हकलाते हुए बोलती। तभी वो चुड़ैल कहती, हाँ तुम्हारा काल निकट आ गया इसलिए तुम्हें पता चल गया था। तभी रानू कहती, नहीं नहीं, तुम्हें पता है इस गांव में क्या होने वाला है? जितने भी भूत प्रेत हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा होने वाली है और चारों तरफ से पंडित आ खड़े हुए हैं। ये बात सुन वो चुड़ैल चिड़िया घबरा जाती और अपने असली रूप में आ जाती, जो पहला रूप था। तभी रानू कहती, हाँ अब भागने की कोशिश भी मत करना, वरना जो बड़े बड़े पंडित आए हैं बहुत कष्ट देंगे। इतना सुन वो चुड़ैल घबराई वहीं खड़ी रहती। रानू का जान तो बच जाता। अगले दिन गांव की औरत खड़ी होती है, वो उस औरत से रानू सारी बात बता देती। उधर चुड़ैल चिड़िया भी घबराई खड़ी रहती। उसे लगता कि आसपास में सभी पंडित भरे हुए हैं। अब रानू उस औरत से कहती, आप ही मेरी मदद कर सकती हैं, मेरे पापा शहर में गए हुए हैं और मैंने अपने पापा को ढूंढा भी नहीं, क्योंकि ये चुड़ैल चिड़िया मुझे रास्ते में मिल गई थी। रानू को वो औरत सांत्वना देते हुए कहती, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। और वो उस चिड़िया से कहती, हाँ हाँ तुम बैठी रहो, तुम्हारी आत्मा की शांति ज़रूर मिलेगी, मैंने बाबा जी को यहाँ देखा था आते हुए और वो आते ही होंगे। इतना में वो चुपके से एक पंडित को फ़ोन कर दी रहती है। देखते ही देखते वहाँ पे किसी की आने की आहट सुनाई देती है और फिर वो लोग देखती हैं पलट के, वहाँ पर एक बाबा जी आ खड़े होते हैं। बाबा जी के आते ही वो चुड़ैल चिड़िया डर से उस कुएं में जा छिपती है। कुएं में जाते ही बाबा जी अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को उसी कुएं में कैद कर देते और उस चिड़िया को कहते कि जाओ तुम अपने पापा को ढूंढ लो। रानू शहर की ओर निकल जाती अपने पिता को ढूंढने। अब इस चुड़ैल की आत्मा, जो कि बहुत लोगों को बहुत दिनों से तंग कर रही थी, रानू की चालाकी और बुद्धिमानी की वजह से पकड़ में आ गई थी। वो जब भी कोई रात में वहाँ से गुजरता, चाहे इंसान हो या जानवर, उन्हें बहुत परेशान किया करती थी और अपना शिकार बना लिया करती थी। इसलिए उस दिन रानू की चालाकी के वजह से वो चुड़ैल पकड़ा गई और भाग नहीं पाई थी। चुड़ैल बन गई मूर्ख और रानू की चतुराई से गाँव वाले खुश हो जाते हैं।
अब उस गांव में सभी लोग शांति से रहने लगे थे। बाबा जी तंत्र मंत्र पढ़ते और उस कुएं में छिपी हुई चुड़ैल को अपनी शक्तियों से उसी कुएं में मुक्ति देने की बात करते हैं और उसे इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा दे देते हैं अपने जादुई डंडे का इस्तेमाल करके। अब उसे भी मुक्ति मिल जाता है और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब वो लोग जानबूझ के चिड़िया लोगों के लिए दाना रख दिया करते थे और पानी भी। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।